हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन द क्योटिक सोल। होप करता हूँ आप और आपकी फैमिली अच्छी हो और मज़े में हो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है री लेवल के अगेंस्ट में नहीं है, ये आपके खुद के भविष्य के बारे में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वीडियो। आप लोग गौर से सुनना, वीडियो अंत तक देखना। इसमें क्या क्या होने वाला है मैं पहले आपको बता दूँ। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि री लेवल का अब मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है अगर री लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। और तीसरी बात, मैं ये बताने जा रहा हूँ, अगर मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है विरोध में, तो वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। जब कोई कहीं से धोखा मिलता है तो वो आदमी उसके अगेंस्ट में ही बोलता है, तो मेरी वीडियो अगेंस्ट में नहीं है। अगर आप लोगों के लिए वो काम करती है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और चौथी बात, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ सबसे पहले, अगर वीडियो मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये सब तो ठीक है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस और अपना जो मन में कोई भी क्वेश्चन है वो ज़रूर वहाँ पर पुट करो कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछने से ये होता है कि जो दूसरे के मन में है वो कॉमेंट अगर आप कर देते हो सकता है जो कोई शर्मा भी रहा हो तो उसका क्वेश्चन पहले से पढ़ा रहा है और आंसर देख के उसका टाइम वेस्ट ना हो और उसको जो पूछना था वो आपके द्वारा आपने पूछ लिया है और उसको जवाब मिल गया है मेरे द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है और कमेंट करो, जो भी मन में क्वेश्चन है मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, जहां भी रहूंगा ज़रूर दूंगा। लेकिन आप लोग को जो मेरे बोल रहा हूँ वो आप लोग अपने अकेले कहीं बैठकर आराम से सोच समझकर ही फैसला लो, बस आप लोगों से इतना कहना है। मेरी बातों में ज़्यादा अगर आपको आने का मन नहीं है तो मत आओ, लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये कहाँ तक झूठ है सच है आप खुद फैसला करके कमेंट में ये भी बात लिखो। दोस्तों, पहला बात ये है कि मैं री लेवल के अगेंस्ट में नहीं हूँ, री लेवल के अगेंस्ट में नहीं हूँ। री लेवल का लेकिन जो एग्ज़ाम चल रहा है मैं पूरा तरह से विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें जॉब लगती है लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की लगती है और बीएससी वाले लोग को भ्रम फैला के उन लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, किसी को बीएससी वालों के लिए कोई जॉब ही नहीं है। आप अगर इस एक तरह से देखोगे तो सबको ग्रेजुएट नाम मिल गया है, सब ग्रेजुएट में आ जाते हैं, ठीक है। और बीएससी बीकॉम बी और बाकी जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है उनको नाम से पुकारा जाता है, लेकिन यही तीन जो चार सब्जेक्ट है, मैंने जो ये है जो फील्ड है जो इसमें आप ग्रेजुएशन करते हो, तो इसको एनी ग्रेजुएट। तो दोस्तों, एनी ग्रेजुएट का कोई फ्यूचर है ही नहीं, पहले का तरह नहीं है कि आप इतना कुछ जानते हो, आपको पीरियोडिक टेबल आता है, चाहे आपको पूरा थ्योरी आता है क्वांटम का, तो ये सब चीज़ आपको सोचनी होगी और आपको ही फैसला लेना होगा कि क्या करना है। और दूसरी बात, री लेवल का एग्ज़ाम ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जॉब के रिगार्डिंग, तो जॉब के रिगार्डिंग भविष्य के रिगार्डिंग मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी जॉबलेस हो तो आप अभी से कहीं भी जॉब करना शुरू करो, एक्सपीरियंस होने पर आपको खुद ब खुद पैसे की बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन आप किसी के भरोसे बैठे हो तो वो तो अपना टर्म एंड कंडीशन पूरा कर ही देगा, आपको ऐसी जॉब देगा कि आप खुद ही छोड़ दोगे, जैसे कि आप एग्ज़ाम पास कर लो और आपको बोले कि आपको चांद पर जाके काम करना है, हम आपको 50 लाख रुपया सालाना देंगे। तो चांद पर जाके काम क्या करोगे, वहाँ पे तो खाने भी नहीं मिलेगा और रहने का भी नहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना पानी मिलेगी और ना ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा सांस लेने को। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं आपको समझनी होगी, आपको एग्ज़ाम दे के भ्रम में डाला जा रहा है। आप एग्ज़ाम मत दो, जॉब के लिए अप्लाई करो, बहुत सारी कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, पैसा कम मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छा जो कन्फर्म हो जाओगे, परमानेंट एम्प्लॉई हो जाओगे, पैसा आपको। आप बहुत सारे लोगों को सुने होंगे कि 200, 400, 500 में वो लोग जुड़े थे कोई कंपनी में, लेकिन आज उनका सैलरी 50,000, 60,000 है। तो दोस्तों, आपको कुछ अपना कंपनी को देना पड़ेगा, तब कंपनियां भी आपको देगी। तो यही सारी बातें आपको मैं शेयर करना चाहता था,
और कमेंट करना अगर मेरी बातें आपको ख़राब लगती है तो। मैं जॉब से आता हूँ तो आप लोगों के जो ये देखता हूँ व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट भी नहीं करते, खाली देख के चले जाते हैं। ये होता है ओवर स्मार्टनेस, खाली देख के मत जाओ, वहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे पूछो, और गलत बोल रहा है तब भी आवाज़ उठाओ। खाली देख के चल जा रहे हो, बिंज वाचिंग कर रहे हो तो तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम अभी मेरी वीडियो देखोगे, फिर जाके कोई री लेवल का अच्छा वीडियो बना देगा कि री लेवल में इनकम जॉब लग गया, तो फिर उससे हिप्नोटाइज होकर फिर और तैयारी करने लगोगे। तो यही सारी बातें, कब तक एग्ज़ाम दोगे दोस्तों, कब तक एग्ज़ाम दोगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिनको जॉब की सख्त से सख्त ज़रूरत है और जिनके घर का परिवार का स्थिति सही नहीं है मेरी तरह, और जिनका बहुत सारा टेंशन है जॉब को लेकर, और उनको खाली जॉब एक नाम मात्र का भी चाहिए अपने जीना जीवन को चलाने के लिए, तो उनसे मेरा यही है कि आप बाज़ार में उतर जाओ, जॉब कहीं भी मिल जाएगा, एकदम शर्म लाज छोड़ो। आप किसी को कुछ दोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, आप हराम में किसी से पैसा नहीं लोगे। और हाँ, यही करते करते आप कुछ हुनर सीख गए कि आप अपने काम करने में बेहतरीन हो, तो कंपनी आपको ज़रूर अच्छी सैलरी देगी। तो यही सब आपसे बातें करनी थी दोस्तों। बड़े बड़े लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तब जाके उनको कहीं कुछ सैलरी मिलता है। ऐसे ही किसी को आपको गूगल का सीईओ कोई नहीं बना देगा, ऐसे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कोई नहीं बना देगा। बस यही बातें आपसे करनी थी। अगर आप में टैलेंट है तो आप बिना डिग्री का भी कुछ कर सकते हो, और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप बहुत सारी डिग्री होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और अगर आप हार्डवर्क करते हो, तो आपने कहावत सुनी होगी कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। तो ये दोस्तों अपने माथा में असर में उठा लो। और हाँ, मैं बीच में बोलना भूल गया एक और, जो मैंने बात की री लेवल के एग्ज़ाम के बारे में। री लेवल का एग्ज़ाम आप एक ठो फाइनाइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप सिलेक्ट करो कि मैं इतना ही दूंगा, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो मैं अपना रास्ता यहाँ से चेंज कर दूंगा, बाय बाय फॉर एवर री लेवल, और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस इतनी आपसे बात करनी थी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन पूछते रहो दोस्तों, क्वेश्चन का कभी सवाल पूछने से पीछे मत हटो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।